वैसे म्यूजिक होता क्या है? टेक्निकली एक के बाद एक बजने वाली आवाजें जो इंसानी दिमाग को कुछ महसूस कराती हैं, पर ये सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। मार्केट में इस वक्त बहुत डिमांड है, और क्योंकि कोई पायरेट बे से जुड़ना नहीं चाहता तो कोई भी आगे आकर एक अच्छी म्यूजिक साइट बनाना नहीं चाहता। तुम सिलिकॉन वैली से टक्कर लेना चाहते हो? म्यूजिक सभी के लिए, और फिर हम बनाएंगे दुनिया का सबसे अच्छा म्यूजिक प्लेयर। तो अब हमें बस म्यूजिक राइट्स के लिए अप्लाई करना है, इसलिए हम आए। आप रिकॉर्ड कंपनी से बात कीजिए। किसी चीज के इतने पैसे क्यों दे जो फ्री में भी मिल सकती है, और तब एक नया सवेरा होगा। अगर उन्हें जल्दी बंद नहीं किया तो इंडस्ट्री ही नहीं रहेगी बचाने के लिए। ओ, तो अब तो मुझे सड़क पर डेमो दिखाने वाले हो। देखिए, आपने ऐसी चीज कहीं नहीं देखी होगी। अच्छा, फुल्ली लीगल स्ट्रीमिंग सर्विस? हाँ। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है। कोई भी गाना? जी हाँ, कोई भी। आर्टिस्ट को पैसे मिलेंगे, सबका फायदा है इसमें। हमारा म्यूजिक चाहिए, खरीद लो। मैं इन लोगों को जानती हूँ, उनके साथ काम किया है, जानती हूँ क्या सोचते हैं। अगली बार ना है। मुझे भी खुशी होगी अगर लोग मेरे गाने रिकॉर्ड करके पायरेट बे पर पोस्ट करना बंद कर दें। तुम एक ऐसी चीज की डिमांड कर रहे हो जो नामुमकिन है। कोई भी फ्री म्यूजिक के फेवर में डील साइन नहीं करेगा। खेल बदल चुका है। क्या आप मानते नहीं कि आपका बिजनेस मॉडल आर्टिस्ट के लिए मुसीबत पे मुसीबत बनता जा रहा है?